हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक ब्रश। इस वीडियो में हम पुराने प्लास्टिक के चेयर एंड स्टूल पर डेकोपाज करके इन्हें एक न्यू लुक देना सीखेंगे। सबसे पहले हम इन पर व्हाइट जेसो लगाकर इन्हें आगे के प्रोसेस के लिए रेडी कर लेंगे। आप जेसो की जगह व्हाइट चॉक पेंट, एक्रेलिक पेंट या फिर स्प्रे पेंट का भी यूज कर सकते हैं। बेस कोट के व्हाइट होने से हम आगे जो भी पेंट इस पर अप्लाई करेंगे वो ब्राइट और प्रोमिनेंट दिखाई देगा। जैसो के पूरी तरह सूखने के बाद हम अपने पसंद के पेंट मीडियम, चॉक पेंट या एक्रेलिक पेंट्स की हेल्प से चेयर एंड स्टूल को पेंट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए DIY जैसो, चॉक पेंट और डेकोपाज ग्लू का यूज किया है। अगर आपको भी जानना हो कि ये सारी चीजें हम घर पर कैसे बना सकते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैंने ये डेकोपाज नैपकिन एक ऑनलाइन क्राफ्ट स्टोर क्राफ्टली कनेक्ट से लिए हैं। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमें नैपकिन के जिन डिजाइन्स को यूज करना है उन्हें फाड़ कर अलग कर लेंगे या एक गीले ब्रश की हेल्प से फजी कट कर लेंगे। नैपकिन में जो छोटे छोटे डिजाइन है ना, उन्हें भी अलग करके रख लें। इसका कारण मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। अगर आपके पास डेकोपाज नैपकिन ना हो तो आप मैगजीन या न्यूज़पेपर प्रिंट का यूज करके भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। सारे नैपकिन कटआउट्स के एक्स्ट्रा प्लाइस को रिमूव कर ले क्योंकि हमें सिर्फ इसके प्रिंटेड साइड की जरूरत है। अगर आप नैपकिन प्लाइस को अलग किए बिना ही उन्हें बेस पर स्टिक कर देंगे तो उसमें व्रिंकल्स आ जाएंगे और साथ ही इसका लुक भी उतना नीट नहीं होगा। नैपकिन कटआउट्स को स्टिक करने के लिए पहले हम फ्लैट ब्रश की हेल्प से बेस पर डेकोपाज ग्लू लगा लेंगे, फिर कटआउट को एक किनारे से दूसरे किनारे तक धीरे धीरे चिपकाते हुए चलेंगे। अगर नैपकिन कटआउट को बेस पर स्टिक करते समय उस पर रिंकल या बबल आ जाए तो उन्हें एक थिन प्लास्टिक शीट की हेल्प से हटा लें, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है। ऐसा करते वक्त अपने हाथों को अंदर से बाहर की तरफ चलाएं। कभी भी नैपकिन कटआउट को एक बार में ही पूरा ना चिपकाएं। ऐसा करने से वो फट सकता है या फिर उसमें व्रिंकल आ सकते हैं। डेकोपाज नैपकिन के साथ काम करते वक्त बहुत ही सावधानी बरतें क्योंकि ये नैपकिन बहुत ही पतले और नाजुक होते हैं। हमने जो छोटे छोटे नैपकिन कटआउट अलग करके रखे थे उन्हें हम बड़े फूलों के बीच में लगाकर खाली जगह को भर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मैंने चेयर एंड स्टूल पर पहले लाइट लेमन येलो पेंट अप्लाई किया, फिर उसके लेग्स एंड हैंड्स पर व्हाइट, लेमन येलो एंड पिंक कलर को मिक्स करके जो शेड बनाया है वो अप्लाई किया है। क्योंकि ये दोनों ही कलर मैंने जो डेकोपाज नैपकिन यूज किए हैं ना उसमें हैं। डेकोपाज करते वक्त हमेशा वही कलर यूज करें जो आपके डेकोपाज नैपकिन में पहले से हैं। नैपकिन कटआउट्स और पेंट्स के पूरी तरह सूखने के बाद हम चेयर एंड स्टूल पर एक कोट डेकोपाज ग्लू का लगा लेंगे और उसके पूरी तरह सूखने के बाद वार्निश के दो कोट लगा लेंगे। ऐसा करने से हमारा वर्क डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ हो जाएगा। आप इन चेयर एंड स्टूल को इंडोर के साथ साथ आउटडोर सीटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग DIY वीडियोस देखने के लिए मैजिक ब्रश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।